गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम नैतिक शिक्षा का पार्ट 15 का भाग दो पढ़ रहे हैं और हमें पृष्ठ खोलना है 43 और उसके बाद हम 44 नंबर पृष्ठ भी पढ़ेंगे। बच्चों ये देखिए 43 पृष्ठ, इसका ये देखिए पार्ट 15 का महावीर स्वामी का भाग एक, इस जो 15 पार्ट का है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो महावीर स्वामी कैसे कहलाए। उससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। गृहस्थ परंपरा के अनुसार माता पिता की आज्ञा पालन के लिए समरवीर की पुत्री सुदर्शना से वर्धमान का विवाह हुआ। गृहस्थ कहते हैं बच्चों की जब शादी करके कोई अपना घर बसाता है यानी अपनी पत्नी के साथ रहता है तो उसे गृहस्थ परंपरा कहते हैं, किंतु विवाहित होकर भी उनका जीवन संयमशील तपस्वी जैसा ही रहा। यानी जो तपस्वी होते हैं, जो शादी नहीं करते तपस्या में लगे रहते हैं, उनका जीवन वैसा ही था। महावीर जी मातृभक्त थे, मातृभक्त यानी अपनी माता की आज्ञा का पालन करना। वे घर छोड़कर विरक्ति के पथ पर जाना चाहते थे। विरक्ति कहते हैं बच्चों यानी कि किसी चीज से लगाव ही ना होना, धन संपत्ति बाल बच्चे पत्नी सब चीज किसी भी चीज के साथ उनका कोई मोह ना होना, लगाव ना होना के पथ पर यानी उस मार्ग पर जाना चाहते थे। परंतु माँ ने कहा, नहीं तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा। यह सुनकर महावीर मौन हो गए यानी चुप हो गए। माता के देहांत के बाद, देहांत कहते हैं बच्चों मृत्यु को, यानी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने भाई से कहा, मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूं। भाई का उत्तर था कि मां का असहाय वियोग मेरे ऊपर दुख का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। यानी वियोग मीन्स यानी सहन ना करने वाला, यानी वो अपनी माँ का बिछोड़ा जाना, उनकी मृत्यु सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अतः तुम्हारा जाना उचित नहीं, यानी उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। महावीर ने 2 वर्ष तक कभी जाने का नाम ही नहीं लिया, किंतु वे शरीर से महलों में रहकर भी मन से महल छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। भाई नांदीवर्धन जान गया कि महावीर हमें पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, पीड़ा मीन्स दुख, अतः मौन धारण कर रुक जाते हैं यानी चुप हो जाते हैं। आखिर भाई ने कहा, वर्धमान तुम घर में रहकर भी ना रहने जैसे हो, अतः वही करो जो तुम चाहते हो। अब महावीर सन्यासी हो गए, वे सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने विधेय अवस्था प्राप्त कर ली थी अर्थात देह के भान से रहित हो गए। जब देह ही नहीं तो नग्नता का भान भी कहाँ रहता है। भान कहते हैं बच्चों एहसास को, यानी शरीर के अंदर रहते हुए भी उन्हें शरीर की कोई सुध ही नहीं थी। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों यानी 12.5 तक साधना की अवस्था में रहे। इस समय वे प्राय बस्तियों से बाहर सूने खंडरों में, शमशान भूमियों में और वृक्षों के नीचे ही प्राय मौन रहते थे, मौन यानी चुप रहते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना में ही व्यतीत होता था। उपवास मीन्स फास्टिंग, कुछ खाते नहीं थे। एक बार तो वे 16 दिन ध्यान में लीन रहे थे। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका प्रमुख सिद्धांत स्याद्वाद है अर्थात दूसरे का मत भी सत्य हो सकता है, यानी वो दूसरों को भी, दूसरे धर्म वालों को भी मानते थे। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को जुठलाना भी हिंसा है। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरे के असत्य को भी समाविष्ट कर लेते थे यानी कि मिला लेते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर ही बल दिया है
जिसमें हिंसा ना हो। हिंसा मीन्स दूसरों को कष्ट पहुंचाना। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्य, निष्ठा, अहिंसा की साधना और आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। यानी उनका जीवन सत्य था, वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, किसी को दुख कष्ट नहीं पहुंचाते थे और उनका व्यवहार भी बहुत शुद्ध था। तो बच्चों, अब आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसके जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानिए और इसे पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ने से आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा और आपकी काफ़ी वोकैबलरी भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच।